Hello friends, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. So good morning. और सुबह के बज रहे हैं 9:30 और आज मैं बहुत आराम आराम से उठी हूँ. मतलब थोड़ा सा लेट उठी हूँ बाकी दिनों से. लाइक पहले मैं 8:00 उठ जाती हूँ वीकडेज में और वीकेंड पे 9:30 अराउंड उठती हूँ आराम से. सो मैंने सुबह उठते ही मैंने सारे स्टोव के मैंने रात में ही एक्चुअली प्लेट्स वगैरह क्लीन करके रखे रख दिया था और वो सुबह तक ड्राई हो गए थे. तो मैंने सुबह उनको क्लीन कर दिया था और अशोक ने उनको लगा दिया है फॉइल के साथ स्टोव में. और मैंने बर्तन वगैरह भी सारे ड्राई हो गए थे तो उसको मैंने जगह पे लगा दिया है. और अब मैं श्रेया का लंच रेडी मैं श्रेया का ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ क्योंकि उसका मैं टाइम टाइम पे चीज़ें बनाती हूँ. मैं उसको कुछ पुराना नहीं खिलाती. लाइक जब भी वो खाती हूँ उस टाइम ही बनाती हूँ उसके लिए फ्रेश. सो लेट्स स्टार्ट द संडे. ये तो काटना पड़ेगा ना बीच में. सर बीच में काटना पड़ेगा तुम्हें. अरे कुछ तो बना है तभी तो काटना तो पड़ेगा. काटो उसको. अरे ऐसे अगर कुछ गिरेगा तो इसके सरफेस के ऊपर रहेगा ना. ऐसे इसके नीचे से सारा अंदर उधर चला जाएगा तभी तो इसका यूज है. सो इट्स डन. हमने इसको क्लीन करके इसमें अच्छे से फॉइल लगा दिया है. अशोक ने काफी नीटली लगाया है. अब परेशानी होंगी क्योंकि पीछे से बहुत ज्यादा ऐसे गंदा नीचे गिर जाता था तो बार बार निकाल के साफ करना पड़ता था. अब इस पर गिरेगा और एक बार हम हफ्ते में क्लीन कर दिया करेंगे इसको. वापस से फॉइल लगा दिया करेंगे. तो मैं हम लोगों की ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ. लाइक ब्रेकफास्ट के लिए इजी भी जब करना होता है तो ऐसे बनाना शेक बना लेते हैं. उसके साथ कुछ भी नूटेला ब्रेड के साथ खा लेते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा कुछ लगती है. तो हम शुगर वगैरह ऐड नहीं करते हैं क्योंकि में ऑलरेडी शुगर होता है. थोड़ा अपना हेल्थ भी देखते हुए बनाते हैं. तो हम ड्राई फ्रूट्स शुगर ये सब ऐड नहीं करते. जस्ट बनाना है. कभी कभी हम और भी कुछ ऐड ऑन कर देते हैं लाइक एप्पल एंड समथिंग. बट अभी हमें इसे बनाना का पीना था तो इट्स वेरी प्लेन एंड नाइस. तो हमारा शेक रेडी हो गया. गुड आफ्टरनून. अब मैं लंच की प्रिपरेशन करना शुरू कर दी हूँ और दिन के बज रहे हैं 12. सो मैं पहले श्रेया के लिए उसकी खिचड़ी चढ़ा दूंगी. उसके लिए मैं वेजीज कट कर रही हूँ. सो आई हैव टेकन कैरेट बीन्स पोटैटो एंड मुझे पालक लेना है. थोड़ा सा पालक तो मैं पालक को ऑलरेडी क्लीन यहाँ पे ऑलरेडी क्लीन डालते हैं बट मैं इसको ऑलरेडी चॉप करके स्टोर कर दी हूँ. तो मैं लूँगी पालक. So I have taken पालक potato, beans and carrot. ये vegetables मैं use करती हूँ उसकी खिचड़ी के लिए. So let's start making her खिचड़ी. So मैंने इसके दाल और चावल को अच्छे से mix करके wash कर लिया है. अब मैं इसमें pinch of हल्दी और एक छोटे चम्मच से एक चम्मच salt add कर दूँगी.
इसको मिक्स कर दूंगी और इसमें मैं सारी वेजीज ऐड कर दूंगी। तो मैंने पहले ऐड किया पोटैटो, देन बीन्स, देन कैरेट, देन पालक, और मैं इसके लिड को लगा दूंगी, क्लोज द लिड एंड आई लॉक इट, और फिर मैं इसको गैस पे चढ़ा दूंगी लो मीडियम पे। फाइव पे ही अक्सर दाल या खिचड़ी जो भी हो इसकी बनाती हूँ, फिर वो अच्छे से गल जाता है और मिक्स होता है। लाइक 5 सीटी पे मैं बंद करके छोड़ देती हूँ तो वो अच्छे से पक जाता है। सो लेट्स सी। तो मैंने श्रेया का ब्रेकफास्ट चढ़ा दिया है, मैं उसको ब्रेकफास्ट में दाल रोटी खिलाती हूँ, बिकॉज वो थोड़ा हैवी होता है और उसका पेट काफ़ी भरा रहता है। तो नाउ आई एम थिंकिंग हम अपने लिए क्या बनाएं जो थोड़ा क्विक हो, बिकॉज वी आर थिंकिंग कि 2 से 2 o'clock और 3 o'clock अराउंड वेदर काफ़ी अच्छा है, लाइक इट्स 8 degrees, तो हम सोच रहे हैं थोड़ा सा रूम अराउंड करके आए। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से कुछ बना लूँ। सो लेट्स, सो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया है, मैंने नहीं अशोक से मैंने पूछा तो उसने बोला चलो गोभी आलू बना दो, मुझे समझ नहीं आ रहा, चलो गोभी आलू बना लेते हैं। मैं गोभी में खा ली हूँ, बोलते हैं पूरी तरह से कवर्ड गोभी मिलता है, US में भी ऐसा ही मिलता था। गोभी आलू की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। आज मैं सोच रही हूँ दाल ही बनाऊँगी, गोभी आलू और राइस बनाऊँगी, तो थोड़ी ग्रेवी वाली सब्जी बनाऊँगी। एंड आई कैन मिक्स लाइक आई हैव फ्रोजन मटर, फ्रोजन गाजर, शिमला मिर्च एंड ऑल, यूज ऑल्सो हैव इन मिक्स वेज काइंड ऑफ थिंग। जो भी बहुत बड़ी है तो पूरी यूज हो नहीं पाएगी। व्हाट हैपेंड श्रेया? ओह माय गॉड, माय बेबी फ्रैंकी, व्हाट हैपेंड? सो मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, ये बेल पेपर्स, ये पड़ा था थोड़ा सा तो फिर मैंने उसको यूज़ कर लिया, और पोटैटो और गोभी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो हम स्टार्ट करेंगे। मैंने कढ़ाई पैन को चढ़ा दिया है, अगर गिर जाता है तो इस पर सही रहता है, आराम आराम से गिरता है, तो मैं क्वान्टिटी के हिसाब से डालती हूँ। तो गर्म हो गया है तो मैं अब इसमें मेथी दाना डाल देती हूँ, मेथी दाना और थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ, और थोड़ा सा बिल्कुल मैं डाल देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी बहुत तो आई गई होगी। मैं प्याज को थोड़ा सा रेड करूँगी, हम डाली तो नहीं जो लाल बढ़ा रहे हैं।
मेरी ऑलमोस्ट सब्जी रेडी है, मैं अब इसमें धनिया का पत्ता डाल दूंगी। और इधर मेरा राइस भी रेडी है। सो माय लंच इज रेडी, अब घर से हम खाएंगे, उसके बाद बाहर जाना है हमें। हमारा लंच हो गया तैयार, उसके साथ थोड़ा अचार ले लेते हैं। वी यूज दिस मदर रेसिपी अचार, दिस इज वेरी टेस्टी अचार, आई जस्ट लव दिस। मोस्टली वीकेंड का लंच या डिनर या जो भी होता है वो हम साथ में करते हैं, बिकॉज वीकडे में तो अशोक को अलग से रूम में देना पड़ता है सब कुछ। तो आज हमारा वीकेंड का लंच साथ में हो रहा है। अशोक इज रेडी। Yeah, I'm yeah. Really hungry, so I have to eat.